वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं हमारे न्यू वीडियो नोटिफिकेशन पाने के लिए। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल गौतम की क्लास। जैसे कि सीसीएस यूनिवर्सिटी बीबीएससी बीकॉम वालों का एग्ज़ाम हुआ था फरवरी 2024 में एनालिटिक एबिलिटी एंड डिजिटल अवेयरनेस का, तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए इस क्वेश्चन पेपर का फुल सॉल्यूशन लेकर आया हूँ। सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियो नोटिफिकेशन समय पर मिलती रहे। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का मूल कार्य है? तो यहाँ पर सभी कार्य दिए गए हैं। यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, इनपुट स्टोरेज और प्रोसेसिंग तीनों ही कंप्यूटर के कार्य होते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर का एक घटक नहीं है? तो यहाँ पर इसका एक घटक नहीं है, यहाँ पर कागज़, बाकी ALU CPU और मेमोरी तीनों इसके घटक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन कंप्यूटर के बारे में सही है? तो यहाँ पर कथन डी यहाँ पर सही है, यानी यह एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो डेटा को संग्रहित पुनः प्राप्त और संसाधित करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर के हार्डवेयर का एक भाग नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यह एक सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट, यहाँ पर प्रोसेस डेटा को के रूप में जाना जाता है, तो इसे सूचना के रूप में जाना जाता है यानी इन्फॉर्मेशन के रूप में। नेक्स्ट, यहाँ पर एक कंप्यूटर में सभी अंक गणितीय तथा तार्किक परिचालन द्वारा किए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ALU। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्न में से कौन सा हार्डवेयर अवयव नहीं है? तो यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर अवयव नहीं है। नेक्स्ट, यहाँ पर सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डेटा को में बदलना है, तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, यानी सूचना में। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से कंप्यूटर की प्रोसेसिंग यूनिट कौन सी है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए CPU राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से CPU के घटक हैं? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, यानी ALU और कंट्रोल यूनिट। यहाँ पर रैम और रोम, ALU और मेमोरी, ALU और रजिस्टर, ये इसके घटक नहीं हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ALU और कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शेष तीनों से असंगत है? तो यहाँ पर कैश मेमोरी तीनों से असंगत है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर किसी भी कंप्यूटर सिस्टम का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, CPU को। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस मेमोरी में CPU की सीधी पहुँच यानी एक्सेस होती है? यहाँ पर ऑप्शन ए रैम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प CPU मेमोरी में शामिल है? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर, यानी स्केच पैड मेमोरी और कैश मेमोरी। नेक्स्ट है, कंप्यूटर की मेमोरी अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट और इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी कार्यक्रम के इंस्ट्रक्शंस को कैसे प्रतिक्रिया देना है। इसका राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन सी कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट है, CPU और मेमोरी कंप्यूटर के पर स्थित होते हैं, तो मदरबोर्ड पर स्थित होते हैं, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया? तो इसका आविष्कार यहाँ पर ऑप्शन ए चार्ल्स बेबेज राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पोर्टेबल तथा ढोने में आसान है? यहाँ पर लैपटॉप ढोने में आसान है। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से किस में इनपुट डिवाइस शामिल है? यहाँ पर कीबोर्ड और माउस राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यहाँ पर कंप्यूटर को निर्देश द्वारा दिए जाते हैं, तो कंप्यूटर को निर्देश इनपुट यूनिट द्वारा दिए जाते हैं। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करेक्टर फॉर्मेटिंग विकल्प नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन सी इंडेंटेशन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर MS वर्ड में यदि आप एक टेबल में टैब को प्रेस करते हैं तो कर्सर आपको मिल जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर है, नेक्स्ट कॉलम। नेक्स्ट, यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में टैब स्टॉप मार्कर्स हटाया जा सकता है, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, कर्सर को टैब स्टॉप पर रखते हुए एंटर कुंजी को दबाकर। नेक्स्ट, यहाँ पर MS वर्ड का प्रयोग मूलतः के लिए किया जाता है, तो इसका प्रयोग विभिन्न प्रलेख तैयार करने यानी डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंस सेरिफ है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, एरियल। नेक्स्ट, यहाँ पर MS वर्ड डॉक्यूमेंट के अंत तक जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, कंट्रोल प्लस एंड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक उदाहरण है, तो यह एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, शीर्षक यानी टाइटल केस के मामले में, यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है, वाक्य की शुरुआत में प्रत्येक शब्द को कैपिटल किया जाता है। नेक्स्ट, यहाँ पर मेल मर्ज घटक है, तो यह MS वर्ड का घटक है। नेक्स्ट, यहाँ पर निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल का एक्सटेंशन है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है, docx। docx माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का एक एक्सटेंशन है। नेक्स्ट है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर सामान्यतः को सम्मिलित नहीं करते, तो यहाँ पर ऑप्शन ए वर्ड डॉक्यूमेंट को सम्मिलित नहीं करते, बाकी सभी को सम्मिलित करते हैं।
नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ड प्रोसेसर में पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में शामिल है? यहाँ पर ऑप्शन डी पंक्ति अंतराल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी एमएस वर्ड की अंतर्निहित सुविधा नहीं है? यहाँ पर लाइव स्ट्रीम राइट आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा खंड विच्छेद यानी सेक्शन ब्रेक का प्रकार नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन सी कॉलम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सा बुनियादी रूप से टेक्स्ट फॉर्मेटिंग की विशेषता नहीं है? यहाँ पर ऑप्शन सी कैपिटलाइज राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर, एमएस ऑफिस का कौन सा अवयव स्पष्टतया नोटपैड जैसा होता है? यहाँ पर एमएस वर्ड नोटपैड जैसा होता है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पर, कंट्रोल प्लस डी कुंजिया दबाने से एमएस वर्ड में डायलॉग बॉक्स आ जाता है? यहाँ पर फॉन्ट का डायलॉग बॉक्स आ जाता है। नेक्स्ट है, कॉपी किए गए टेक्स्ट को पेस्ट करने के लिए प्रयुक्त शॉर्टकट कुंजी कौन सी है? तो ऑप्शन बी यहाँ पर राइट है, यानी कंट्रोल प्लस वी। नेक्स्ट यहाँ पर, एमएस वर्ड में अपर केस को लोअर केस में और लोअर केस को अपर केस में बदलने के लिए निम्नलिखित किस चेंज केस विकल्प का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन डी अपर केस का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एमएस वर्ड का प्रयोग मूलतः के लिए किया जाता है? तो इसका प्रयोग विभिन्न प्रलेख तैयार करने में किया जाता है। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन चयनित डेटाबेस प्रविष्टियों से अधिकतम मूल्य देता है? यहाँ पर ऑप्शन बी डी मैक्स राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को यह भी कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन सी स्प्रेडशीट राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्प्रेडशीट प्रयोग करने का लाभ यह है कि? तो इसका लाभ हो जाएगा यहाँ पर उपयुक्त सभी, यानी ऑप्शन डी, गणनाएं स्वतः ही की जा सकती है और डेटा में परिवर्तन होने पर गणनाएं स्वतः ही अद्यतन हो जाती है और अधिक लचीलापन होता है। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा स्प्रेडशीट का एक उदाहरण है? तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन सी विशेषता यानी फीचर का प्रयोग परिभाषित अनुक्रम में दर्ज किए गए डेटा को स्वचालित करने के लिए किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन बी ऑटोफिल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक एक्सेल वर्कबुक का एक संग्रह है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए वर्कशीट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पर जब आप एमएस एक्सेल में स्प्रेडशीट खोलते हैं तो एक्सेल वर्कशीट का नाम प्रदर्शित करता है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए टाइटल बार राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर एमएस एक्सेल में चुनी हुई सेल और फिल्टर को सुचारू करने हेतु कौन सी शॉर्टकट कुंजी का प्रयोग किया जाता है? यहाँ पर ऑप्शन ए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, यहाँ पर निम्नलिखित में कौन सा डीबीएमएस का उदाहरण नहीं है? तो यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक उदाहरण नहीं है, बाकी सभी यहाँ पर उदाहरण दिए गए हैं। नेक्स्ट है, यहाँ पर कंप्यूटर के एक मेन्यू में की लिस्ट होती है, तो इसमें कमांड्स की लिस्ट होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा हाइपर मीडिया संरचनाओं के माध्यम से नेविगेट करने के लिए उपयोग किया जाता है? यहाँ पर नोड्स का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जब संदर्भित सेल में एक या एक से अधिक इनपुट बदल दिए जाते हैं तो एक्सेल की विशेषता यानी फीचर गतिशील रूप से नए आउटपुट का उत्पादन करेगी? तो यहाँ पर ऑप्शन सी सेल रिफरेंसिंग राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस तालिका के स्तंभ को इस रूप में जाना जाता है? तो इसे फील्ड के रूप में जाना जाता है, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर एक एक्सेल स्प्रेडशीट मदद करता है? तो यह उपयुक्त सभी में मदद करता है, यानी डेटा सॉर्ट करने में, डेटा आसानी से व्यवस्थित करने में और संख्यात्मक डेटा की गणना करने में। नेक्स्ट, एक्सेल एक्स एक्सटेंशन के लिए है? तो यह एक्सेल के लिए होता है। नेक्स्ट, यहाँ पर एक स्प्रेडशीट में चार्ट में किसी लीजेंड के लिए गलत विकल्प की पहचान करे? तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा, यानी डाउन। नेक्स्ट, एक्सेल में कैंसिल बटन कहाँ स्थित होता है? तो यह टूल बार में होता है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर एक स्प्रेडशीट में फॉर्मूला डी आई वी कोष्टक में है, टेन और थ्री, तो यहाँ पर क्या आउटपुट देगा? तो जब हम इसे टाइप करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, हैज नेम और क्वेश्चन मार्क, यह आपको एरर देगा, ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर एक वर्कशीट में रो और कॉलम का इंटरसेक्शन है? तो यहाँ पर ऑप्शन बी सेल राइट आंसर है। नेक्स्ट, यहाँ पर एमएस एक्सेल में एक रो और एक कॉलम के इंटरसेक्शन को क्या कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा, एक्सेल। नेक्स्ट, यहाँ पर एक्सेल में डिफॉल्ट सेल के अंदर टेक्स्ट क्षैतिज रूप से कैसे अलाइन होता है? तो यहाँ पर लेफ्ट अलाइंड राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर पीडीएन का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप होता है पैकेट डेटा नेटवर्क, ऑप्शन बी राइट आंसर है यहाँ पर। नेक्स्ट, इंटरनेट की शुरुआत के रूप में की गई थी, तो इसकी शुरुआत यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, अमेरिकी सुरक्षा बलों का नेटवर्क। नेक्स्ट, टीसीआईपी मॉडल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए गलत है, टीसीपीआईपी एक क्षैतिज दृष्टिकोण का अनुसरण करता है। नेक्स्ट, यहाँ पर सर्वर वे कंप्यूटर हैं जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि से जुड़े होते हैं, तो जो कि नेटवर्क से जुड़े होते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, यहाँ पर वेब पेज देखने के लिए उपयोग किए जाने वाले
एप्लीकेशन को के रूप में जाना जाता है, तो इसे ब्राउजर के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है सॉफ्टवेयर जो आपकी वेब पेज पढ़ने और इंटरनेट सर्फ करने की अनुमति देता है, उसे कहा जाता है, तो उसे वेब ब्राउजर कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट द्वारा विकसित एक वेब ब्राउजर है? यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है इंटरनेट एक्सप्लोरर। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा एक वेब ब्राउजर नहीं है? यहाँ पर XHTML राइट आंसर है। नेक्स्ट है किसी वेबसाइट को पसंदीदा फेवरेट में शामिल करने का शॉर्टकट क्या है? यहाँ पर ऑप्शन बी कंट्रोल डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से ब्राउजर कौन सा है? यहाँ पर सफारी एक ब्राउजर है, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है गूगल क्रोम है, तो गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर? यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी क्रोम, केवल क्रोम यहाँ पर एक क्रॉस प्लेटफॉर्म ब्राउजर है। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो यहाँ पर XML वेब ब्राउजर नहीं है, बाकी सब यहाँ पर वेब ब्राउजर दिए गए हैं। नेक्स्ट यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउजर नहीं है? तो यहाँ पर हडूप वेब ब्राउजर नहीं है, ऑप्शन डी राइट आंसर है। नेक्स्ट है नेटस्केप एक है, तो यह एक वेब ब्राउजर है। नेक्स्ट यहाँ पर ठोस जमना है तो गैसें क्या होगा? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी वाष्पन, गैसों का यहाँ पर वाष्पन होगा। नेक्स्ट यहाँ पर विषाणु चेचक है तो जीवाणु क्या होगा? तो जीवाणु से यहाँ पर टाइफाइड, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर 39 दिया गया है, 39 से यहाँ पर 91 बना है, तो यहाँ पर 51 के बाद क्या होगा? तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 119। यहाँ पर 13 तिया 39 होता है और 13 सत्य 91 होता है। इसी प्रकार यहाँ पर 17 तिया 51 होता है, तो यहाँ पर 17 सत्य 119 होगा, तो यहाँ पर ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पर यदि किसी कोड भाषा में क्रैक्स को DQBBLR लिखा जाता है, तो उसी कोड भाषा में इस प्रॉम्प्ट को कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी TOSNVS। यहाँ पर आप लॉजिक लगा सकते हैं, इसमें लॉजिक क्या लगा है, जैसा यहाँ पर C दिया गया है, तो यहाँ पर C के बाद D लिखा गया है, इसके बाद यहाँ पर Q है, तो Q के बाद यहाँ पर R है, इसी प्रकार से आगे भी इसी प्रकार से क्रम दिया गया है, तो जब इसे आप हल करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन B राइट आंसर हो जाएगा TOSNVS। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है एक कूट भाषा में टच को UTOHC लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में प्लांट को कैसे लिखा जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन डी TPNLA। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर यदि AU बराबर 21 और 1 बराबर 245 हो, तो यहाँ पर बैक को कैसे कोड करेंगे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी 110, यहाँ पर राइट आंसर है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर लॉजिक लगा गया है, A होता है यहाँ पर 1 और U बराबर होता है यहाँ पर 21, तो जब हम 1 की और 21 की आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर 21 हो जाएगा। ई का क्रमांक होता है यहाँ पर 5, इसी प्रकार से जी का होता है यहाँ पर 7 और यहाँ पर जी का भी 7 होगा, तो जब हम इन्हें आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 245। इसी प्रकार से जब हम बैक में भी यही लॉजिक लगाएंगे तो यहाँ पर 110 आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं बी जो होता है, बी का होता है यहाँ पर 2, ए का होता है 1 और के का होता है यहाँ पर 11 और ई का होता है यहाँ पर 5, तो जब हम इन्हें आपस में गुना करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 110। यहाँ पर गुना करके देख लेते हैं, 2 एकम होता है 2, 2 की जब 11 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 22 और 22 की जब 5 में गुना करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पर 110। नेक्स्ट क्वेश्चन देगा यहाँ पर आपका BMOEOQHQS श्रृंखला में अगला पद ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, यानी KSU। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर इसमें लॉजिक लगा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं B से यहाँ पर E आया है, E से यहाँ पर H आया है, तो यहाँ पर 3-3 जोड़ने पर H आया है। इसी प्रकार से यहाँ पर M दिया गया है, M के बाद O आया है, O से यहाँ पर Q आया है, तो यह 2-2 जोड़ने पर आया है। इसी प्रकार से यहाँ पर O से Q आया है, यह 2 जोड़ने पर आया है, और Q से H जो आया है वह भी 2 जोड़ने पर आया। तो यहाँ पर हमें पहले 3 जोड़ना है, उसके बाद 2 जोड़ना है, उसके बाद 2 जोड़ना है, तो इसी प्रकार से जब हम इसे हल करेंगे तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा, KSU। यहाँ पर नेक्स्ट दिया गया है AD?PY, तो यहाँ पर इसका ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, I। यहाँ पर आप देख सकते हैं A जो होता है इसका क्रम होता है 1 पर, तो 1 जो होगा वह 1 का स्क्वायर होगा, 1 का स्क्वायर बराबर 1 हो जाएगा। D जो होता है वह होता है 4 पर, तो 4 जो होता है वह 2 का स्क्वायर होता है, 2 स्क्वायर बराबर होता है 4। इसी प्रकार से यहाँ पर नेक्स्ट जो आएगा वह 3 का स्क्वायर आएगा, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 9 पर आता है I, तो यहाँ पर ऑप्शन बी I राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर ABDEFHIJK
और क्वेश्चन मार्क दिया गया है। यह बिल्कुल आसान सवाल है, जब आप इसे हल करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन सी MNOPQ राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, यदि ए बी का पुत्र है और सी का पिता है तो बी सी से कैसे संबंधित है, तो वह दादा दादी से संबंध होगा। नेक्स्ट यहाँ पर, यदि अनिकेत प्रियंका के बेटे का भाई है तो अनिकेत प्रियंका से कैसे संबंधित है, तो वह उसका पोता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, 5 छात्र एक घेरे में खड़े हैं, अभिनव, आलोक और अंकुर के बीच में है, अपूर्वा अभिषेक के बाईं ओर है, आलोक अपूर्वा के बाईं ओर है, अभिनव के बगल में उसके दाहिनी ओर कौन बैठा है। यहाँ पर ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन बी अंकुर। अंकुर अभिनव के बगल में उसके दाहिनी ओर बैठा है। नेक्स्ट यहाँ पर, 5 लड़कियाँ यहाँ पर दी गई है, ABCD और E, इनमें से जो 5 शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और जयपुर में से केवल एक की यात्रा करती हैं, और ई कोलकाता, मुंबई या चेन्नई की यात्रा नहीं करती, डी मुंबई, चेन्नई या दिल्ली की यात्रा नहीं करती, ए जयपुर की यात्रा करती है, सी मुंबई की यात्रा नहीं करती है, सी किस शहर की यात्रा करती है, तो सी यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन डी, सी दिल्ली की यात्रा करती है। नेक्स्ट यहाँ पर, सुमित और अमित की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है, यदि 20 वर्ष बाद सुमित की आयु 62 वर्ष होगी तो अमित की वर्तमान आयु क्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए 56 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर, एक परिवार में माँ की उम्र बेटी की उम्र से दुगनी है, पिता माँ से 10 वर्ष बड़े हैं, भाई अपनी माँ से 20 वर्ष छोटा है और अपनी बहन से 5 वर्ष बड़ा है, पिता की आयु कितनी है। यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 60 वर्ष। नेक्स्ट यहाँ पर, उस संख्या को पहचानिए जिसे 14 बार जोड़ने पर 195 प्राप्त होता है, यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका 13। नेक्स्ट यहाँ पर, भारत, दिल्ली, असम, गुवाहाटी, इन्हें यहाँ पर वेन डायग्राम में दर्शाना है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, स्नातक, स्नातकोत्तर, तो यहाँ पर इसके सभी विकल्प यहाँ पर गलत दिए गए हैं, क्योंकि यहाँ पर 2 हैं, यहाँ पर सभी 3-3 दिए गए हैं, तो इसका यहाँ पर कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। स्नातक, स्नातकोत्तर का जो वेन डायग्राम होता है वह इस प्रकार से होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, तो यहाँ पर एक भी विकल्प इसमें सही नहीं है। तो आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कौन सा आंकड़ा 3 वर्गों, डॉक्टर, शिक्षक के बीच संबंध का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करेगा। यहाँ पर इसका राइट आंसर कोई भी नहीं है, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर कथन दिया गया है, सभी किसान डॉक्टर हैं और सभी डॉक्टर जादूगर हैं। यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, सभी किसान जादूगर हैं और कोई किसान जादूगर नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष सेकेंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया है, यहाँ पर कोई भी वर्ग आयत नहीं है, सभी आयत त्रिभुज है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है। नेक्स्ट यहाँ पर कथन दिया गया, यहाँ पर कड़ी मेहनत गरीब आदमी का धन है, तो यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया है, एक गरीब आदमी हमेशा मेहनती होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वह यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, केवल निष्कर्ष सेकंड अनुसरण करता है, यानी सेकंड यहाँ पर दिया गया है, एक गरीब आदमी अपनी कड़ी मेहनत से धन कमाता है, यह इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पर कथन दिया गया है, क्या यह आवश्यक है कि शिक्षा रोजगारोन्मुख हो। यहाँ पर तर्क दिए गए हैं इसके, इनमें बताना है कि कौन सा सही तर्क है। यहाँ पर तर्क फर्स्ट और सेकंड मजबूत है, यानी यहाँ पर फर्स्ट दिया गया है, हाँ, शिक्षा का उद्देश्य कमाई के लिए व्यक्ति को तैयार करना है और शिक्षित व्यक्ति को शिक्षा पूरी होने के बाद स्वयं के पैरों पर खड़ा होना चाहिए, ये दोनों ही कथन यहाँ पर सही है। नेक्स्ट, यहाँ पर इस साल अच्छी बारिश के कारण और उचित देखभाल से किसान अच्छी फसल की उम्मीद कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ धारणाएं दिए गए हैं, तो हमें बताना है कि सही धारणाएं कौन सी है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, दोनों धारणाएं फर्स्ट और सेकंड निहित है, यानी अच्छी बारिश ही अच्छी फसल होने का एकमात्र कारक है, और अच्छी बारिश हो या ना हो, किसान अच्छी फसल के लिए हमेशा अधिक से अधिक सावधानी बरते। तो इस क्वेश्चन पेपर के मैंने आपको सभी आंसर बताए हैं, आपको किसी भी आंसर में डाउट हो तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको वीडियो के लिए व्यू पसंद आए हो तो लाइक जरूर करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको हमारी आने वाली न्यू नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। मिलते हैं ऐसे न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।